हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले जीडी स्पेशल जो बैब बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ जीडी क्लियर है। और इस वीडियो को देखोगे जो डीबी वालों को भी 100% कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिल के ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि जीडी में सेक्शन 1 भी होता है ना, तो वो डीबी वालों को भी मदद करेगा, ठीक है। तो जीडी वालों स्पेशली यहाँ पे ध्यान दो। बहुत सारे लोग हैं जीडी के लिए जो कि हर बार कमेंट करते हैं, सर जीडी वालों स्पेशल कुछ अलग से बताओ कि जीडी वाले लास्ट टाइम क्या पढ़े। आपके कमेंट्स आ रहे थे लगातार, क्योंकि इस समय बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं ना, तो मैं यहाँ पे हर चीज़ खुल के बताऊँगा कि जीडी वालों को किस तरीके से लास्ट टाइम और मतलब प्रिपरेशन करना चाहिए और उनकी क्या बढ़िया सी होती है स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति क्या होनी चाहिए कि जीडी के एग्ज़ाम को हम लोग आराम से टैकल कर पाए। इस बार तो यांत्रिक है नहीं, ठीक है, और जीडी का अच्छा खासा मतलब मौका है। सीडी भी ठीक ठाक रहती है डीवी की अपेक्षा, तो इसमें सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे दो सेक्शन में बांट दिया गया, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जीडी को दो सेक्शन में बांटा गया ना, ये एक प्लस पॉइंट है कि जीडी में दो सेक्शंस होते हैं। तो दोनों में से क्या आपका स्ट्रांग है और क्या वीक है उस पर फोकस करते हैं, बात करेंगे किस तरीके से करेंगे और फाइनली सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन के साथ वो भी यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना कि सिलेक्शन के साथ वो भी अपनी, तो इसका मतलब कुछ और मत निकाल देना, इसका मतलब था कि वर्दी भी अपनी, ठीक है, यूनिफॉर्म भी अपनी। अब इफ़ यू थिंक समथिंग गिल्स, बहुत मार खाओगे अगर कुछ और दिमाग में चल रहा होगा। तो इसके लिखने का मतलब था ना कि आपकी यूनिफॉर्म भी आपकी हो जाएगी सिलेक्शन के साथ साथ, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं हम लोग कि सेक्शन 1 या सेक्शन 2 दोनों एक दिन होगा। जीडी वालों ध्यान से सुनना, रिटर्न एग्जाम जब आपका ऑनलाइन होगा वो कंप्यूटर पे होता है, वो एक ही दिन होता है सेक्शन 1 या सेक्शन 2 दोनों। अब डिपेंड करता है किसका सेक्शन 1 खराब है और किसका सेक्शन 2 खराब है। अगर आपका सेक्शन 1 खराब है और सेक्शन 2 बहुत बढ़िया है ना, तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन की चांसेस कम हो जाती है। कहोगे क्या कह दिया सर आपने, सेक्शन 2 आपके कितने स्कोर का, 30 है। कितना भी बढ़िया होगा ना, तो 50 मार्क्स के होते हैं आपके, तो कितना भी बढ़िया होगा 50 में से 50 अटैम्प्ट तो कर लोगे, बात अलग है, लेकिन 50 में से 50 सही कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिसका सेक्शन 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, वो 60 में से, मेरे को जहाँ तक पता है कि वो 25-30 के बीच में अटक जाता है सेक्शन 1 में, वो इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता। पहली बात क्लियर, इससे ज़्यादा वो स्कोर ही नहीं कर पाएगा। तो मान लेते हैं कि आपके सेक्शन 2 में, अगर मान लो मैं इसको जूम करता हूँ, सेक्शन 2 में आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आते हैं, जस्ट लाइक कि आप सेक्शन 2 में 50 में से अगर 40 ले लेते हो, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से ओबीसी से हो, और सेक्शन 1 के अंदर आप मान लो 25 से लेकर 30 के बीच में भी लेते हो, तो 70 नंबर के आसपास पे सिलेक्शन की चांसेस नहीं है, फाइनल सिलेक्शन की चांसेस नहीं है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर सेक्शन 1 आपका बढ़िया नहीं है, तो फिर सेक्शन 2 खाली बहुत अच्छा करके, सेक्शन 1 बहुत खराब करके सिलेक्शन की चांसेस घट जाती हैं। जीडी वाले कहते हैं ना कि आप जीडी में अगर आना चाहते हो तो डीबी का भी कोर्स बढ़िया से पढ़ो और अपना सेक्शन 2 भी टेक्निकल बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। तो सेक्शन 2 के बारे में बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है, सेक्शन 1 के बारे में बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है। सेक्शन 2 के बारे में जस्ट मैंने पहले भी कहा था, ध्यान से सुनो, सेक्शन 2 की अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको स्टेट बोर्ड, जिस भी स्टेट से हो, अगर स्टेट बोर्ड में 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, तो पिछले 3-4 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठाओ, बिकॉज वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। भले आपका स्टेट बोर्ड का कोई भी बुक हो चलता हो, वो डिपेंड नहीं करता, वो सारे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से मिलते जुलते हैं, और तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन भी जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड पे ही होता है। तो उस एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ पाना तो पॉसिबल नहीं है लास्ट टाइम में, लेकिन लास्ट टाइम वहीं से प्रैक्टिस करो, बेटर रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, कोस्ट गार्ड का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गारंटी में देता हूँ, मिलेगा ही नहीं कहीं, ठीक है, बिकॉज वो क्वेश्चन देते ही नहीं वो लोग। तो वो एक मतलब एक 90% मतलब आप एक्यूरेसी करना चाहते हो या फिर इससे ज़्यादा, तो स्टेट बोर्ड के अंदर जो जनरली बिहार बोर्ड में होता है क्या, 12th के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, किसी भी स्टेट से हो कोई मैटर नहीं करता, जिस स्टेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा है, हमारे बिहार में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, तो बिहार का ही एटलीस्ट 2-3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, या फिर मार्केट में मिल रहा है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल रहा है, ले लो उसको। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लोगे तो शायद आपके पास ना पहुंच पाएगा, रूरल एरिया से हो तो 7-8 दिन लग जाते हैं। तो आप देखो इंटरनेट पे डाउनलोड करो, या फिर हम टेलीग्राम पे रात तक डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। सेक्शन 2 आपका वहाँ से प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिजिक्स एंड मैथ, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा अगर कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है। तो कंसेप्ट ही नहीं जानते हो तो 10 दिन के अंदर आप कंसेप्ट पढ़ लोगे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको आना चाहिए सेक्शन 2 का। आप अगर जीडी भर रहे हो तो कुछ सोच समझ के भरा होगा आपने, हाँ चलो सेक्शन 2 हम देख लेंगे, तभी आपने भरा होगा, अदरवाइज आपको नहीं पढ़ना चाहिए था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर सेक्शन 1 खराब है तो क्या करते हैं। सेक्शन 1 आपका एवरेज भी है ना, तो मैं आपको कहता हूँ ना कि आप एवरेज से बेटर कर लोगे, किस तरीके से, आप हमारे कॉन्टेंट को फॉलो कर लो, हमारे पीडीएफ्स को पढ़ के चले जाओ, मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको, रुको। ये देखो इस बच्चे का क्या था ना, देखो पिछली बार ईडब्ल्यूएस से रिजल्ट आया हुआ था, कैसे मैं बताता हूँ कैसे। आई हैव ऑल्सो टेकन साइंस एंड मैथ पीडीएफ, थैंक यू। और इन्होंने खुद बताया कि हाँ, मैंने पूछा कि पीडीएफ से हेल्प मिला था, बिकॉज पीडीएफ हमने बेचा है, तो भाई हमारा काम है आपसे पूछना कि आपने पैसा दिया हमको, हेल्प मिला कि नहीं। तो उन्होंने खुद कहा
कि मैं देखो क्या बात है ना, हाँ मिला, मैंने मैथ जो है ना नॉन टेक वाला नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट किया था। मैं टेक का स्टूडेंट था पूरा, बस नॉन टेक मैथ इधर से हुआ आपके यूट्यूब से थोड़ा, ठीक है, तो यूट्यूब से थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा था, बाकी हमारे पीडीएफ से उन्होंने प्रैक्टिस किया बहुत दबा के। और मैंने उनको कहा कि फेज टू फोड़ देना, तो उन्होंने कहा कि अब एयरफोर्स पढ़ना है, वो उन्होंने एयरफोर्स भी बाद में फोड़ा था। इसके अलावा और भी बच्चों के मतलब हमारे पास ऐसे रिजल्ट है बहुत सारे, मैं बार बार अलग अलग चीज़ों को दिखाते रहता हूँ आपको, ठीक है। कुछ लोगों ने डीबी फोड़ा, कुछ लोगों ने जीडी फोड़ा, तो ये जो हमारे पीडीएफ्स हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी आपको। जैसे हमारे पास मैथ का पीडीएफ है, देख रहे होगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसके सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे। पीडीएफ के अंदर हमने मैथ में वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से बात चुनाव करोगे तो आपके मोबाइल पे एक वीडियो चलेगा और पूरा मैथ के उस चैप्टर का सॉल्यूशन देख लोगे। मैथ में लगभग 450 क्वेश्चंस है, रीजनिंग में देखो मैं बताता हूँ कितने क्वेश्चन आने की गारंटी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, रीजनिंग में 500 क्वेश्चंस है, साइंस में आपको 550 क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब में डाले गए हैं, और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश वोकैबुलरी के 600 क्वेश्चन है। इन सब को पढ़ो, अब मैं गारंटी देता हूँ, सुनो ध्यान से, अगर नहीं आए इतने तब अगली बार से कोस्ट गार्ड की तैयारी बंद। मैथ में 90% से ज़्यादा ना सेम पैटर्न पे आएगा। अब देखो ये जो डेटा मैंने दिया है ये सेम डेटा नहीं रहेगा, डेटा चेंज करके सेम पैटर्न पे सेम मेथड पे 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैथ में देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे पीडीएफ में जो चीज़ें हैं चैप्टर वाइज। रीजनिंग पूरा 100% मैं कह रहा हूँ ना, 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे पीडीएफ उठा के देख लेना आप एग्जाम के बाद, कहीं ना कहीं सेम पैटर्न पे आए हुए थे। साइंस में 70% के करीब हमारे पीडीएफ से आएगा, इसके अलावा जो 70% ही मैं कहता हूँ, 100% साइंस में जीके में पॉसिबल नहीं होता। वोकैबुलरी में भी 70-80% पीस, देखो अगर एक सिनोनिम आएगा, एक एंटोनिम आएगा, एक वन वर्ड आएगा, एक ईडियम आए और एक स्पेलिंग मिस्टेक आए, पांच है ना, तो तीन कम से कम आपको हमारी पीडीएफ से देखने के लिए मिलेंगी। जो चीज़ें छूट रही थी आप यहाँ से कवर करोगे, तो इन सबको अगर आप बाई करना चाहते हो ना तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787, और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कहना कि मुझे पीडीएफ बाई करना है, सबका प्राइस बता दो आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो उसके बारे में भी पूछ सकते हो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सेक्शन 1 के लिए कैसे लगा है, इसके वो आप ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा पाओगे, बट पीडीएफ अलग चीज़ है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अलग चीज़ है। आप सेक्शन 1 के लिए सिर्फ हमारे पीडीएफ्स को पढ़ के जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सेक्शन 1 खराब था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा एग्जाम से पहले। आपको ऑब्वियसली मतलब 50 से 70% चीज़ें आपको ना पहले से इंप्रूवमेंट दिखेगी, अगर आपने 20% अपना किया वो ठीक से और 50% हमने 60% करा दिया आपका, तो आप 70-80% तक पहुँच जाएगी इजीली, और कुछ सेक्शन 2 में उखाड़ देना फिर आपका रिजल्ट कोई रोक ही नहीं पाएगा। हाँ लेकिन डेडिकेशन से पीडीएफ खरीद के, ऐसा नहीं कि खरीद के रख लिए हो गया, नहीं, पढ़ाई करना होगा, एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील करना होगा। इसके अलावा देखो इतने कम टाइम के अंदर कोई उपाय नहीं है कि हम कुछ ऐसा बता दें कि एक दिन में कुछ कर जाओ, जो भी दिन है हमारे पास उसके अंदर लिमिटेड चीज़ें, मतलब पीडीएफ जो हमारा बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड होता है, आप आराम से पढ़ो, आपका रिजल्ट दबा के होगा, बहुत बढ़िया से होगा, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट को समझ के बढ़िया से प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है गाइज। इसके अलावा जीडी वालों तो हो गया, डीबी वगैरह आप तैयारी कर रहे हो तो सेक्शन 1 की वो भी आप पीडीएफ से कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ कुछ अपडेट हम लोग देते हैं, रेगुलर क्लासेज जो चलती है 11 बजे सेक्शन 1 की उसकी पीडीएफ वगैरह हम लोग तो दे देते हैं। बाकी एप्लीकेशन पे जाओगे तो टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाई करके लगा लोगे, तो सारी सेक्शन 1 की दुख सुविधा जो है हमने दे रखा है आपको, दुख दूर कर देंगे हम लोग। सेक्शन 2 पे आप अपनी तरफ से फोकस करो, जो मैंने जस्ट बताया, थोड़ा सा इंटरनेट पे मदद ले लो, कुछ क्वेश्चंस हम रात में कोशिश करेंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे सेक्शन 2 के लिए, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करोगे। हाँ जरूरी नहीं कि सब 200-300 प्रैक्टिस करें, हाँ डेली 10-10, 20-20, 30-30 भी करेंगे ना इस समय, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा डे बाय डे और कंसेप्ट का रिवीजन होते जाएगा, ठीक है। तो जीडी वालों ऑल द बेस्ट, लगे रहो और सिलेक्शन इस बार ले लेना, फोड़ देना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने जस्ट बोला ना कि सिलेक्शन के साथ वो भी अपनी हो जाएगी, मतलब वर्दी आपकी अपनी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट में बताओ आपके मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी।